सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि शिक्षक दिवस आप सभी को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पे और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप उनको प्रणाम करें। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का फोटो हम लोगों ने पिछले बार सेलिब्रेट किया था और इस बार भी सेलिब्रेट ही किया गया होता। और आईजी जोन को मैंने पिछली बार बुलाया था, इस बार भी वो मेरे करीबी है, मैं उनको बुला सकता था, लेकिन इस बार थोड़ा बाढ़ पीड़ित बच्चों को ऊपर हम लोग स्टे कर रखे थे, इसलिए उसमें थोड़ा व्यस्तता के कारण भी इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जितने भी यहाँ शिक्षक मौजूद हैं, अभी सुनील सर थोड़े अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ मैं भी हूँ, आज थोड़ा फीवर मुझे दो दिन से आ रहा है, कल से फीवर आ रहा है। लेकिन फिर भी जितने भी शिक्षक आप लोग जो कहते हैं ना कि एक शब्द भी आप किसी से अगर सीखते हैं और आपके कैरियर निर्माण में अगर उसका योगदान होता है तो आपका गुरु है, आपका शिक्षक है। और आपके अगर देखा जाए तो बचपन से लेकर अभी तक जो संस्कार माता पिता के द्वारा डेवलप किया जाता है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षकों के द्वारा लाया जाता है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे संस्कारों के साथ विकसित हों, डेवलप करें और अपने जीवन में सफलता के मुकाम पर पहुंचें। और जो भी आपकी विषय जो आज इस अवसर पे एक शिक्षक के दिल की दुआएं हैं, हमारे दिल से दुआ है कि आपकी जो भी विषय है वो फुलफिल हों। जो हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं आपको, और देखिए शिक्षक कई प्रकार के होते हैं। कई बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि गुरु किसको माना जाए, बचपन से लेके अभी तो ना पता कितने गुरु मिल चुके, कोई आपको नर्सरी में पढ़ाने वाले गुरु रहे होंगे, हाई स्कूल पढ़ाने वाले, इंटर पढ़ाने वाले, इसके बाद ग्रेजुएशन में भी, तो गुरु परंपरा चलती चली आ रही है, तो गुरु माने किसको। तो देखिए सभी गुरु हैं, गुरु का स्वरूप है और स्वरूप के भिन्न भिन्न पार्ट हैं। आप जितने भी शिक्षक हैं आपको सिखा रहे हैं, आपके करियर निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, आप सफल हो जाइए। तो आप इनको कम से कम याद जरूर करेंगे कि किस शिक्षक से पढ़े थे, आप चाहे जितना भी भुलाने की कोशिश करें आप भुला नहीं सकते हैं, जिससे भी आपने पढ़ा है, तो आप उन शिक्षकों को हमेशा याद रखेंगे। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस यह है कि आप जो भी विश करते हैं, जो भी पाना चाहते हैं लाइफ में, आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, वहाँ तक जो है सक्सेसफुल होने में आपको कोई रुकावटें ना आए। तो देखिए मैं अभी ये बात कर रहा था कि गुरु किसको माने, तो गुरु दो तरह के होते हैं, एक तो धर्म गुरु होते हैं और एक होते हैं आर्थिक गुरु होते हैं। तो हम लोग जो हैं आपको सैद्धांतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो आपके गुरु पूर्णिमा के दिन आप पूजा करते हैं वो धार्मिक गुरु होते हैं, और शिक्षक दिवस के दिन जो आप जिनको पूजा कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, या आपके आर्थिक गुरु हैं, जो आपको वास्तव में जीवन जीने की, आपके विषम परिस्थितियों में भी आपको जीवन जीने की जो है आपको मदद करेगा, जब भी आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो हम तो कहते हैं कि जो भी हम लोग ज्ञान आपको दिए हैं, आपकी सबसे वर्स्ट पोजीशन हो सकती है कि आपकी इकोनॉमिकल सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाइए, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो है कोई गलत काम कर नहीं सकते, अगर एजुकेशन है तो गलत तो करेंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए नोट्स, हमारे पढ़ाए हुए ज्ञान, हमारे सर लोगों के पढ़ाए द्वारा ज्ञान से आप जो है अपनी रोजी रोटी या जीव को पालन कर सकते हैं। इसमें आप अपने जहाँ भी के निवासी होंगे या जिस जहाँ भी रहते होंगे, आप जो है ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। तो हम लोग आपको वो ज्ञान देते हैं जो आपके जीवन में आपको स्वावलंबी बनाता है, जो आपके अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा देता है। ओके, थैंक यू।